हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा और आज हम बात करेंगे राग सोहिनी के बारे में। सोहिनी वेरी अर्ली मॉर्निंग का एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत स्वीट राग है और सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये राग की अगर एक बंदिश हम करें, इसके पहले मैं आपको इस राग का थोड़ा सा परिचय दे दूं। राग सोहिनी जो कि मारवा थाट से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसमें रे कोमल लगता है और म तीव्र लगता है, जबकि इस राग में पंचम पूर्णतया वर्जित है। आरोह की बात करें तो रे और प दोनों वर्जित लिए जाते हैं और अवरोह में केवल प वर्जित है, तो इसकी जाति हम कह सकते हैं ओडो शाडो, यानी कि आरोह में दो स्वर वर्जित है, रे और प, सा ग म धनी सा, और अवरोह में सिर्फ प वर्जित है, सानी ध म गरे सा। तो जाति हो गई ओडो शाडो। इसका गाने का समय है रात्रि का अंतिम प्रहर, यानी एकदम सुबह सुबह होने को जब तैयारी होती है, सुबह 4 से 6 बजे के बीच में, 4 से 7 बजे के बीच में। इसको प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग भी कहा जाता है। इसकी प्रकृति चंचल है और यह उत्तरांग प्रधान राग है। मारवा और पुरिया दोनों मिलते हुए राग है इसमें, लेकिन स्वर दोनों तीनों के सेम है। मारवा, पुरिया और सोहिनी तीनों के स्वर सेम है, लेकिन ये जो सोहिनी राग है थोड़ा चंचल है और उत्तरांग प्रधान है, उत्तरांग में ज़्यादा चलता है। तो यानी इसका जो वादी स्वर है वो भी उत्तरांग में है, वो है ध। तो ध स्वर वादी है और संवादी है ग। इसके न्यास के स्वर यानी के ठहराव के लिए जो स्वर होते हैं वो है ध, ग और सा। इस राग का आरोह अवरोह में आपको गा के और फ्लूट पे बजा के बता देता हूँ। इस राग की पकड़ है सा नी द नी द म ग म ध नी सा रे सा। अब इस राग की एक स्वर मालिका है जो मैं आपके सामने नोटेशन गाकर और समझाकर आपको सुनाऊंगा। उससे पहले मैं पूरी स्वर मालिका फ्लूट में 3 ताल में कैसे गाई बजाई जाती है आपको पहले सुना देता हूँ, कैसी लगती है आप सुन लीजिए, बाद में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन और इसका ट्यूटोरियल देता हूँ।
राग सोहिणी की स्वर मालिका जो अभी हमने फ्लूट पे बजाई वो थी स्वर काली पांच ए शार्प में, और ये ताल था तीन ताल 140 बीट्स पर मिनट की स्पीड। तो अभी हम इसकी एक एक लाइन देखते हैं ताकि आप अगर चाहें तो इसको सीख सकें। बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है और बहुत प्यारा सा राग है, आप इसको अवश्य तैयार कीजिएगा। तो इसकी पहली लाइन है, ऊपर के सा से शुरू होती है, सा नि द म ग म ध सा नि र सा, सा नि द म ग म ध सा नि र सा। अब यहाँ पे गमधनी भी ले सकते हैं और मधनी सा भी ले सकते हैं। देखिए दूसरी लाइन, सा ग म ग रे रे सा नी सा नी द म ग म ध नी सा सा नी द म ग म ध सा सा नी रे सा। दूसरी लाइन में जो सेकंड पार्ट है वो एक तान जैसा है, गरे सारे नी सा नी द मदरी सारे सा नी सा धनी सा नी द म ग म सा नी द म ग म द सा सा नी रे सा।
तो यह है राग सोहिनी की स्वरमालिका। इसके आगे थोड़ा सा आप थोड़ा अलाप कर लीजिए सोहिनी राग में, और इसके साथ साथ थोड़ी ताने तैयार कर लेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया सी सोहिनी राग की एक आपकी प्रस्तुति तैयार हो जाएगी। करने जैसा राग है, बहुत स्वीट है, प्यारा है, और आधी रात को या अर्ली मॉर्निंग को बहुत ही प्यारा लगेगा। आप अवश्य इसका प्रयास कीजिएगा। ये चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे क्लासिकल राग की बहुत सारी बंदिशें और इसकी स्वरमालिकाएँ, लक्षण गीत एक्सेट्रा आपको मिलते रहेंगे। इसके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको क्लासिकल में पूरी महारत हो जाए। इतनी सारी बंदिशें और इतने सारे रागों की प्रस्तुति आपको तैयार करने के लिए मिलेगी, ये मेरी आपको गारंटी है। तो अवश्य आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सोहिनी राग की बंदिश आपको कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरी जो ये कार्यशैली है उसको सराहा है, काफ़ी लोगों को पसंद आई है। तो मैं इसी तरह से संगीत के साधकों की सेवा करता रहूँगा। आपने मुझे बहुत सारा प्यार और मान सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।